देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गोहाना के बरोदा रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर आज सोनीपत से भाजपा सांसद रमेश चंद्र कौशिक पहुंचे, जहां पर गोहाना नगर परिषद के चुनाव के बाद गोहाना रमेश कौशिक पहुंचे थे, जहां पर गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन व पार्षदों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को गोहाना नगर परिषद चेयरमैन व पार्षदों का शपथ समारोह किया जाएगा। और इस अवसर पर रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि हमारे द्वारा पूरे देश में सबसे ज़्यादा काम जो है सोनीपत लोकसभा में कराए गए हैं। और इसके अलावा गोहाना नगर परिषद के जो चेयरमैन रही, अब जो चेयरमैन चुनी गई हैं, रजनी विरमानिक की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि गोहाना को जो है 4 चांद लगाने का काम रजनी विरमानिक के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि गोहाना में देवीपुरा के पास एक गंदा जो है गंध था, उसको सुधारने का काम खुद रजनी विरमानी ने किया। वहाँ पर पार्क बनाया गया, जिससे जो है काफ़ी जो लोग देवीपुरा के आसपास के लोग रहते थे, उनका स्वर्ग कह सकते हैं, एक स्वर्ग बनाकर उनको दिया गया है। और बता दें कि रमेश चंद्र कौशिक ने जो है इस पार्क को लेकर काफ़ी सुधार के लिए जो है वहाँ पर रेलवे से जमीन, रेलवे की जमीन थी, वहाँ से अप्रूवल लाई गई और बकायदा वहाँ पर ग्रांट देकर इससे पार्क का सुधार भी कराया गया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गोहाना में जो है एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है गोहाना में काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये यहाँ पर लगाकर जो है गोहाना का विकास कराने का काम जो है गोहाना की चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने किया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश संगठन सचिव रविंद्र जजू और जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा के अलावा भी काफ़ी लोग मौजूद रहे। इसके अलावा रजनी विरमानी, उनके पति इंद्रजीत विरमानी और गुलशन विरमानी के अलावा भी जो है भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि गोहाना के बरोदा रोड स्थित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद रमेश चंद्र कौशिक सामने नजर आ रहे हैं। इसमें शानदार जीत प्राप्त की है और नगर परिषद में भी जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते वो जींद हम जीते हैं और नगर पालिका में गन्नौर सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं, इसलिए हमारा 100% रिजल्ट रहा है और बहुत बढ़िया। और ये जो जीत है ना, ये ईमानदारी और काम की जीत है। नगर पालिका में गोहाना एक गाँव की हालत में था, पत्थर हालत में, जब ये हमारी नगर पालिका बनी, अपने बनकाए और इसके साथ साथ आज गोहाना एक विकास के नए रास्ते पर गया है। बताओ, हम तो आपकी लोकसभा जितनी बात मेरे ही कर ले, लोकसभा में जितना काम हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ, पूरे देश की मैं गारंटी ले सकता हूँ। इतना काम हुआ, रेल कोच फैक्ट्री लगी, प्रधानमंत्री जी का टाइम मांगे, अब उसका उद्घाटन हो जाएगा। मारुति महारेला आ गई, फ्रूट जो इंटरनेशनल मंडी है वो हम मसाला मंडी है कर लिया है, राई में जो एशिया सबसे बड़ी मंडी होगी, हम कर रहे हैं काम। पासपोर्ट ऑफिस नहीं था सोनीपत में, वो बना दिया। CGS सेंटर डिस्पेंसरी नहीं थी, वो बना ली। हमने विकास का नया रास्ता दिया है, काम किया। ये नहीं करते हम, अगर उल्टी सुलटी बातें में ध्यान नहीं अपना। इसकी हम जांच करवा रहे हैं और इसमें सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, जो भी इसमें दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। NCR का एरिया घटाने की बात चल रही है, कितना फायदा हरियाणा के लोगों को? हरियाणा लोगों को कुछ तो ये फायदा तो है, जो ये भट्ठे उठे चालने हैं ना नियम से, इनमें कुछ छूट मिल सकती है। बाकी NCR का कुछ वो है, अभी 100 किलोमीटर पर रखना चाहते हैं। जो गाड़ियाँ हैं पेट्रोल की, डीजली गाड़ियाँ, हाँ, उनका टाइम बढ़ जाएगा, ये फायदा तो हो जाएगा। अग्निपथ योजना के लिए प्रति कांग्रेस जो है मसाल जुलूस निकाल रही है, विरोध कर रही है। कांग्रेस ने अपना मसाल जुलूस काट लिया, अग्निपथ का क्या काट रहे हैं, ब्योत रह रहे हैं उनका, वो जुलूस काट डाला है, किसी चीज़ का ब्योत है, क्या हाल हो रहा है? गरीब आदमी का भी नहीं रहा, सिलेंडर इतना बढ़ गया। ऐसा है, गरीब आदमी जितनी ये सरकार मदद कर रही है इतनी कोई नहीं कर रहा। आज 80 करोड़ लोगों ने फ्री का नाश दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई कहाँ बढ़ी, अभी तो नहीं बढ़ा। सिलेंडर इसलिए बढ़िया, 1000 ना, यूक्रेन वाला जो युद्ध हो रहा है उसका असर सारी दुनिया पर पड़ा है, उसकी वजह से ये गैस जो है महंगी हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैस वहीं से सप्लाई होती है। इस वजह से आज दुनिया में कहीं भी कुछ होगा तो सब पर असर पड़ेगा। तो राशन, फ्री राशन।
11 बजे हमारा चेयरमैन और इनके साथ साथ जितने पार्षद पहुँच जाएंगे, ये सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह गोहाना में होगा या कहीं बाहर होगा? गोहाना में होगा, परिषद का ऑफिस में ही होगा।